उत्तराखंड में अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर चमोली जिले के अधिकांश बाजार बंद रहे। वहीं कर्णप्रयाग में व्यापारियों ने शोक सभा आयोजित कर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही बंद के समर्थन में वाहन यूनियनों ने चक्का जाम रखा। वहीं व्यापारियों ने कहा कि अंकिता के साथ जो भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है, आगे से किसी बेटी के साथ इस तरह की घटना न हो। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। उस वीआईपी का नाम अंकिता हत्याकांड में पूरा उत्तराखंड की जो देवभूमि की जनता है वो अपने आप को पीड़ित महसूस कर रही है। बहुत आक्रोश लोगों के अंदर है और इसी आक्रोश के चलते आज हमारे कर्णप्रयाग का जो व्यापार संघ था उसने जो उत्तराखंड के अंदर बंद की कॉल थी उसका समर्थन किया और हम मांग करते हैं कि जो उत्तराखंड जो अंकिता हत्याकांड के दोषी हैं उनको फांसी की सजा हो, उस कांड की जो सीबीआई से जांच करवाई जाए, उसमें जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है साक्ष्यों को मिटाने के लिए, उस बुलडोजर की कार्रवाई में कौन कौन लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको भी दंडित किया जाए। तो हमारा आज पूरा जनपद की टैक्सी मैक्सी बंद है। बंद का आह्वान स्थानीय स्तर पर स्थानीय संस्थाओं द्वारा किया गया, प्रदेश का आह्वान नहीं है, लेकिन हर चालक को हर मालिक को अपनी बहू बेटियों की चिंता है। ये जो धनंजय अपराध हुआ है ऋषिकेश में, वो अपराध यहाँ तक न फैले, ये अपराध ऋषिकेश से सीधे मुजफ्फरनगर हरियाणा चल जाए, इसी के कारण हमने आज मुख्य तौर बंद रखा है, ये अपराधी पहाड़ में नहीं घुसे।